हाय, मैं उज़मा खान, जायका दिल्ली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे हाफ फ्राई अंडा, आप ब्रेड के साथ लगा के दिखाएंगे आपको। ये नाश्ते में ज़रूर बनाएं, बहुत अच्छा रहता है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन वाला होता है अंडा, आपको पता है। तो इसलिए मैंने एक रेसिपी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर दो अंडे लिए हैं और चार ब्रेड लिए हैं और करीब 2 टेबल स्पून मैंने देसी घी लिया है। देसी घी हम जितना यूज़ होगा उतना यूज़ करेंगे, मैंने इतना अंदाज से ले लिया है इसको। और करीब 5-6 काली मिर्चों का इस तरह से बिल्कुल पाउडर बना लिया है पीस के, और थोड़ा सा नमक लिया है, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक लिया आप। चलिए अभी देखिए हम ऐसा करेंगे कि जैसे हमने ब्रेड लिए हैं इन पर इस तरह से घी लगा देंगे हल्का हल्का, ताकि जो हमारे ब्रेड हम सेकेंगे तो अच्छी तरह से सिक जाए। तो ज़्यादा नहीं लगाना है, बस हल्का लगाना है कि हमारे ब्रेड अच्छे से सिक जाएंगे। जिससे दोनों साइड में लगा देंगे इस तरह। अगर आप चाहें तो इस जगह पे मक्खन का यूज भी कर सकते हैं। मैंने देसी घी लिया है। अब देखिए एक तरफ मैंने तवा गरम कर लिया है, फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया है। तो जो हमने घी लगाया था ब्रेड पे, इसको इस तरह से लग देंगे इस तरीके से, और ब्रेड पे भी लगा लेंगे घी। ये देखिए इसी तरीके से इसमें भी घी लगा लेंगे। चारों में ब्रेडों में इस तरह से घी लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह सारे ब्रेड लगा दिए मैंने, और हमको इनको जले नहीं देना, हल्का सा ब्राउन करके पकाएंगे ताकि हमारे जो ब्रेड हैं वो गोल्डन हो जाए और जलने भी ना पाए। तो मीडियम फ्लेम पे हमको उसको तलना है। अब देखिए मैंने ब्रेड को पलट दिया है इस तरह, साइड से दोनों को सेक लेंगे दोनों साइड से इस तरह से। हमारे ब्रेड सिक चुके हैं, एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने ब्रेड निकाल लिए हैं तीनों। अब हमारा एक ब्रेड जो रह गया था उसको भी हम इस पर लगा देंगे, मैंने घी लगा दिया है इस पर भी, इसको भी हम सेक लेंगे दोनों साइड से। अब इसको भी पलट देंगे। अब देखिए हमारा ब्रेड हो गया है, इसको भी हम निकाल लेंगे। अब हम बनाएंगे अंडे। अंडे के लिए थोड़ा सा देसी घी डालेंगे इसमें, करीब मैंने 1 टीस्पून डाला है घी। अब देखिए हमने फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है, यहाँ पे हमारा जो घी है अच्छे से गर्म हो गया है। तब इसमें हम अंडा डाल देंगे। अंडा हम फोड़ेंगे तो ये ध्यान रखना है हमें कि जो हमारी अंडे की जो जर्दी है ये ना फूटे, ये बिल्कुल साबुत रहना चाहिए, क्योंकि हम बना रहे हैं हाफ फ्राई तो उसमें ये जर्दी नहीं फूटना चाहिए, और हमें इसे पलटना भी नहीं है। जो हमारा घी है इसी से हम इसको तलेंगे ऊपर से इस तरह से। अब हम इसमें थोड़ा नमक डाल देंगे, मैंने एक चुटकी नमक लिया है बस डाल दिया, और मैंने एक चुटकी ही काली मिर्च का वो लिया है पाउडर, इसमें डाल देंगे इस तरह से। अब इसका जो ये है देसी घी, इस पर से डालेंगे। इससे यह होगा देसी घी जो हमारा गर्म है ना, उससे हमारा अंडा ऊपर से भी फ्राई हो जाएगा, इसको पलटना नहीं है हमें। फ्लेम को लो रखा है मैंने, अगर मैं फ्लेम को हाई कर देंगे तो ये अंडा जल जाएगा, इसलिए फ्लेम को लो पे पकाना है इसको। अभी देखिए हमारा अंडा पकने लगा है इसी तरीके से 2-3 सेकेंड तक और तेल डाल पीछे डाल देंगे घी इसके ऊपर। देखिए हो गया है जल्दी। अब इसको हम एक ब्रेड पे निकाल लेंगे, एक ब्रेड का ऐसे लेंगे ब्रेड और इस पर निकाल लेंगे इस तरह से। ये देखिए मैंने ब्रेड पे अंडे को ले लिया इस तरह से। अब इस पर लगा देंगे हम, ये देखिए अब इसको रख देंगे एक साइड। अब इस तरीके से दूसरा अंडा भी बनाएंगे हम,
थोड़ा घी डालेंगे, करीब 1 टीस्पून। अब इसमें अंडा फोड़ देंगे, और यहाँ भी ध्यान रहे कि अंडे की जर्दी नहीं टूटना चाहिए। अंडा फूट गया, जर्दी फूट जाएगी तो हमारा अंडा हाफ फ्राई इस तरह का नहीं बनेगा। हाफ फ्राई में जर्दी साबुत ही रखनी होती है हमें। मैंने फ्लेम को मीडियम कर दिया, अभी संडे में भी हम करीब 1 चुटकी नमक डाल देंगे। मैंने 1 चुटकी नमक लिया है बस, और 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर, फ्लेम को मैंने लो कर दिया है ताकि हमारा अंडा जले ना और अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। तो इसका जो घी है इसे हम ऊपर डालते रहेंगे, इससे जो हमारा अंडा ऊपर से भी चले के सिक जाएगा। अब देखिए अंडा हमारा अच्छे तरीके से पक गया, ऊपर से भी देखिए जर्दी बिल्कुल हमारी साबुत है, जर्दी नहीं फूटना चाहिए। अब इसमें हम इस ब्रेड में संडे को भी ले लेंगे इस तरह से, देखिए ले लिया मैंने। अब जो हमारा दूसरा ब्रेड है इस पर ऐसे लगा लेंगे, ये देखिए। अब इसे इस पर रख देंगे तवे पे, और इसी तरीके से जो हमारा ब्रेड हमने पहले बनाया था वो भी रख देंगे। ये देखिए अब मैंने फ्लेम को यहाँ बंद कर दिया है, इतना तवा हमारे गर्म है कि दोनों ही ब्रेड आराम से दोनों साइड से सिक जाएंगे। तो इन्हें पलट देंगे एक दो बार। अभी देखिए मैंने दोनों ब्रेडों को पलट दिया है, ये मेरे दोनों ब्रेड पता चले कि सिक गए हैं। अब इनको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अभी देखिए मैंने अपने आमलेट बिल्कुल प्लेट में निकाल लिए हैं, हमारा हाफ फ्राई अंडा बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं बहुत टेस्टी बना ये रेसिपी, ज़रूर करें ट्राई करें, और ख़ास करके लोग इसे ब्रेकफास्ट में बनाते हैं तो आप ज़रूर ट्राई करें घर पर एक बार। और आपको रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।